प्यार के बाद एक बार दिल्ली की भी बात करना बहुत जरूरी है। आज दिन भर आपने देखा होगा तस्वीरें आई हैं, देश की राजधानी दिल्ली में क्या 45 साल बाद भयंकर बाढ़ आने वाली है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं, जबरदस्त ऐसी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालत यह है कि दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में पानी घुसने से 40 मरीज LNJP अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जहां रहते हैं वहां पर भी खबरें हैं कि बोट चलाने की नौबत आ गई। BJP कह रही है कि 6 दिन बाद घर से निकले, आप घर से निकले आपके घर तक पानी पहुंच गया। दिल्ली हो या पंजाब या फिर हरियाणा, बारिश और बाढ़ ने पूरे देश को चपेट में ले लिया। बोट फिर से आएगी, घबराने की जरूरत किसी को नहीं है, आप सभी को बचाया जाएगा, कैंप में पहुंचाया जाएगा। यमुना नदी में उफान के बाद दिल्ली में हर घंटे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। अगर यमुना नदी में जलस्तर और बढ़ता है तो दिल्ली के लिए भारी संकट हो सकता है। दिल्ली में यमुना बाजार इलाका तो पूरी तरह से पानी में डूबा है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ से वही निकल सकता है जिसे तैरना आता हो। पानी कमर से ऊपर तक पहुंच चुका है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यमुना से सटे इस इलाके में कितनों के घर पानी में डूब गए होंगे। रेस्क्यू के लिए इस इलाके में NDRF की टीम को तैनात किया गया है। लाल किले के पीछे से कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी भर गया है। यहाँ यातायात पूरी तरह से बंद है। जिन सड़कों पर आप मौजूद है, कल तक ये कह रहे थे दिल्ली डूब जाएगी, दिल्ली में पानी भर जाएगा, दिल्ली में बाढ़ आ सकती है, लेकिन अब वो स्थिति आ चुकी है और अभी फिलहाल हर जगह दिल्ली की सड़कों पर यही हाल है। अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि आगे आप मत बढ़िए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इधर आप जरा देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक है वो रुका हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चूंकि इसी रोड से मैं भी यहाँ तक पहुंची हूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि पीछे कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा है जो लोगों को ये बताए कि आगे आपको नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि आपकी गाड़ी रोड को क्रॉस नहीं कर पाएगी। कश्मीरी गेट इलाके में हनुमान मंदिर के आसपास पानी भर गया। ये पूरा इलाका चारों तरफ से पानी से घिर गया और हनुमान मंदिर परिसर में पानी भर गया। राजघाट जाने वाली इस सड़क पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। दिल्ली में बढ़ रहे बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फैसला लिया गया है। ये दिल्ली का मयूर विहार इलाका है। ये पूरा इलाका बाढ़ के पानी से घिर गया। मेट्रो के पिलर भी आधे से ज्यादा पानी में डूबे नजर आए। मयूर विहार पुल के नीचे पूरे इलाके में पानी भर गया। दिल्ली में यमुना का पानी VVIP इलाके में पहुंच गया। सिविल लाइंस, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के सरकारी आवास है, वहां घुटनों से ऊपर तक का पानी सुबह घरों के अंदर तक पहुंच गया। सिविल लाइंस की सड़कें बाढ़ के पानी से लबालब भरी है। मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे LG साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे। मॉनसून का कहर ऐसा है कि सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां चंद सेकंड में स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो गई। घाघरा नदी में उफान की वजह से स्कूल ढह गया, वहीं नदी किनारे बना मंदिर भी नदी में बह गया। पहाड़ों पर भी मौसम का सितम जारी है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। नेशनल हाईवे से लेकर सड़क मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक में गंगा के जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। भारी बारिश का ये दौर अभी थमने वाला नहीं है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
पंजाब के फिरोजपुर में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सतलुज नदी पर बना बांध टूटने की वजह से कई गांवों में जलभराव हो गया है। लोगों की मदद के लिए सेना और बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। अब तक सतलुज नदी के किनारे बसे 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। देखेंगे ये जो पूरा इलाका है ये इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। जो सतलुज नदी का पानी है वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है और ये कोई नदी नहीं है कि हम बोट से जा रहे हैं। दरअसल जहाँ पर हम जा रहे हैं ये यहाँ पर चावल की खेती होती थी लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी भी तबाह हो चुकी है क्योंकि घर के घर पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। गाँव के गाँव यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। जुलाई का महीना हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। खराब मौसम की वजह से पूरे प्रदेश के हालात खराब हैं। बारिश और सैलाब की वजह से यहां जगह जगह तबाही मची हुई है। आने वाले दिनों में यहां हालात और भी खराब हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी होगी। हिमाचल प्रदेश के हर जिले में आसमान से बरसी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। मनाली से लेकर मंडी तक हर तरफ तबाही और बदहाली की तस्वीर नजर आ रही है। बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों रास्ते बह गए।